हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स थ्योरी। बेसिक्स थ्योरी से भी हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने टरजागी की एनालिसिस पढ़ी, उसकी थ्योरी पढ़ी और उसके फॉर्मुलेस को देखे और अलग अलग कंडीशंस देखी, और हमने एक फॉर्मूला बनाया कि इस पर्टिकुलर कंडीशंस में इस फॉर्मूले से हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। सेम जब हम बेसिक्स की बात करते थे तो बेसिक के थ्योरी के अंदर सबसे पहले बेसिक ने ये 1973 में ही टरजागी की थ्योरी को ही कंफर्म भी किया और सजेस्ट भी किया कि जो टरजागी की एनालिसिस थी, जो नेचर ऑफ फेलियर टरजागी ने शो किया था, वो सही है। बट दिक्कत क्या आई कि वो जो एंगल था, जो कि एंगल था आपका कुछ इस तरीके से, अगर मैं बताऊं ये जो एंगल थे, ये जो एंगल थे यहाँ पे उसने ये बोला, यहाँ पे ये उसने बोला कि जो 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाई 2 है उसके कुछ क्लोजर है, जबकि एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 5 डैश होना चाहिए था। तो जब ये 5 डैश होएगा तो जितने भी आपके, मतलब के ये जो क्या होता है, एंगल ऑफ शेयरिंग रजिस्टर होता है, अगर ये चेंज होएगा तो फर्दर फिर से मॉडिफिकेशन होंगे, और अगर इसके चेंज से मॉडिफिकेशन हो रहे हैं तो आपके जितने भी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर थे, चाहे वो एन सी हो, एन क्यू हो और एन गामा हो, इनमें भी चेंजेस आएंगे। तो उनको चेंज अगर आना है, उनमें से अगर कुछ चेंजेस आना है, तो फिर वो किस तरीके से चेंज होएगा, ठीक है, देखेंगे देखेंगे। टरजागी के एनालिसिस के अंदर इनको फाइंड आउट करने के लिए कुछ अलग फॉर्मूले थे, बट जब हम बात करते हैं बेसिक्स की, तो बेसिक्स के अंदर क्या चेंज हुआ, एन क्यू इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 45 प्लस 5 डैश बाई 2 ई की पावर पाई टेन फाइव। इससे आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, एन क्यू को फाइंड आउट कर लोगे। अच्छा, ये 5 डैश है, ठीक है, ये 5 डैश है। फिर जब हम बात कर रहे हैं एन सी की, तो एन सी क्या हो जाएगा आपका, एन क्यू माइनस 1 cot 5 डैश, ठीक है, क्या हो जाएगा, एन क्यू माइनस 1 cot 5 डैश, ठीक है। जब हम एन गामा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 n³ + 1 tan 5 डैश। तो कुछ इस तरीके से ये एन सी, एन क्यू, एन गामा ये फाइंड आउट हम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये जो फाई है, एंगल ऑफ शेयरिंग रजिस्टर है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे। बेसिक्स ने ये खैर बताया था। अगर मैं इन सब टर्म की बात करूं, इन सभी टर्म की बात करूं, तो जब मैं बात करता हूं इस एनसी की इक्वेशन दे देते हैं हम, अगर मैं एनसी की बात करूं तो एनसी वाले टर्म को प्रांड्ल ने 1921 में सबसे पहले प्रपोज किया था, ठीक है। जबकि मैं बात करूं एनक्यू की, तो एनक्यू को रेसनर करके एक साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। और जब मैं बात करता हूं ये थर्ड टर्म की, जिसको कि कैक्विड एंड केरसल ने 1953 में इंट्रोड्यूस किया था, और ये क्या बताए थे, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर को बताया था इन्होंने। आपको स्क्रीन में टेबल के अंदर दिख रहा होगा, एक इमेज दिख रही होगी, जिसके अंदर बेसिक ने बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर में अलग अलग 5 डैश की वैल्यू के लिए एनसी, एनक्यू, एन गामा आपको दिखाया है। जैसे कि 0 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ शेयरिंग डिस्टेंस 0 है, मतलब वो सी सॉइल की बात हो रही है, तो एनसी की वैल्यू 5.14 है, एनक्यू की 1.0 है, एन गामा की 0.0 है। आपको याद होगा कि प्रांड्ल के में भी हमने यही वैल्यू ली थी, ठीक है, जब प्रांड्ल के में भी फर्दर मॉडिफिकेशन हुआ था। तो जैसे जैसे फाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एन सी, एन क्यू, एन गामा की वैल्यू इस फॉर्मूले से उसने निकाल के रख दी है। तो फाइनल हमारा जो इक्वेशन बनता है बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए बेसिक्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो क्या कुछ चीजें उन्होंने और ऐड कर दी थी, जैसे कि आपका ये क्या हो गया, सबसे पहले तो सी डैश हो गया ये, जो कि हमें पता है, उसके बाद एन सी हो गया, फिर शेप फैक्टर हो गया, फिर आपका क्या हो गया, ये डेप्थ फैक्टर हो गया, और फिर उसके बाद क्या हो गया, इंक्लिनेशन फैक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा दूसरा टर्म आ जाता है अपना, ये हो जाएगा आपका क्यू एन क्यू एस क्यू डी क्यू और आई क्यू, ये अपना क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा। जब हम थर्ड टर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ गामा बी, इतना तो होता ही है, फिर आपका हो जाएगा एन गामा
एस गामा, टी गामा और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका ये आई गामा। तो ठीक है, आपका ये क्या हो गया एन सी एन क्यू एन गामा क्या हो गए बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर हो गए, एस सी एस क्यू एस गामा आपके क्या हो गए शेप फैक्टर हो गए, डी सी डी क्यू डी वाई डी सी डी क्यू और डी गामा क्या हो गया आपका डेप्थ फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका डेप्थ फैक्टर हो गया। वहीं पे आई सी आई क्यू और आई गामा क्या हो गए आपके इंक्लिनेशन फैक्टर हो गए, इंक्लिनेशन फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से ये डी सी डी क्यू डी गामा आई सी आई क्यू आई गामा ये डेप्थ और इंक्लिनेशन फैक्टर है और इनकी अलग अलग वैल्यूज है, है ना। ऐसा नहीं है कि डी सी डी क्यू डी गामा हमने मतलब नॉर्मली कुछ भी रैंडमली ऐसे पिक कर लिया, इनकी वैल्यूज है अलग अलग वैल्यूज है और अलग अलग कंडीशन में। इवन अगर मैं एस सी एस क्यू एस गामा की भी बात करूं तो आपको स्क्रीन में एक ये इमेज देखने को मिल रही है जिसमें आपको स्ट्रिप शेप की है फुटिंग, रेक्टेंगुलर शेप की फुटिंग है या फिर सर्कल और स्क्वायर शेप की है, तो आपको एस सी एस क्यू एस गामा में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। अगर अपन स्ट्रिप शेप की बात करें तो एस सी की वैल्यू 1 है, एस क्यू की 1 है और एस गामा की भी 1 है, बट जैसे ही आप रेक्टेंगुलर में आते हैं तो आपको यहाँ से चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। जब हम डेप्थ की बात करते हैं तो डेप्थ फैक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो डेप्थ फैक्टर भी आपका हेंसन्स की थ्योरी से ही ये लिया गया है। कैसे, आपको इमेज दिख रही होगी स्क्रीन के अंदर, जैसे डी सी डी क्यू डी गामा है ना, 1+0.35 इन ब्रैकेट डी एफ बाई बी, डी क्यू की 1+0.35 डी एफ अपॉन बी और डी गामा की अगर बात करें तो ये 1 है, ठीक है। बट ये डी सी और डी क्यू इक्वल होते हैं कब, जबकि आपकी फाइव डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 25 डिग्री होती है, तब जाके आपका डी क्यू इज इक्वल टू डी सी होता है। और डी क्यू 1 कब होता है, डी क्यू कब 1 होता है आपका, जब आपकी फाइव कितना हो जाता है 0 डिग्री हो जाता है। अब ये डी एफ और डी बी क्या होंगे, आपको पता है कि डेप्थ और फुटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हेंसन ने अगेन फिर एक बार प्रपोज किया डेप्थ फैक्टर को लेकर, और इस बार इसने डेप्थ फैक्टर को कुछ इस तरीके से कंसिडर किया, और आपको देखने को मिल रहा होगा डी सी डी क्यू एंड डी गामा की वैल्यूज स्क्रीन में, अगेन आपको एक डिफरेंट वैल्यू देखने को मिल रही होगी जो क्या है, डी सी इज इक्वल टू 1+0.4 इन ब्रैकेट डी एफ अपॉन बी, डी क्यू की है 1+2 tan phi - 1 - sin phi² डी एफ अपॉन बी और डी गामा की वैल्यू 1.0 है, ठीक है। ये अलग अलग मॉडिफिकेशंस कंडीशंस बेस्ड ये चेंज होते रहते हैं। अगर मैं इंक्लिनेशन फैक्टर की बात करूं तो अगेन स्क्रीन में एक आपको इमेज देखने को मिल रही होगी जिसमें IC की वैल्यू क्या है 1-H/2CBL, IQ की बात करें तो 1-1.5H/V और I गामा की बात करें तो IQ का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका डेप्थ फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर और शेप फैक्टर, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर को मिला के आपका बेसिक ने अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताया। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा, ये सर क्यू कहाँ है, टर्जागी ने तो गामा इंटू डी एफ बताया था, तो जी ये आपका क्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू वॉट गामा इंटू डी एफ, ये इफेक्टिव सरचार्ज है, तो इसमें कंफ्यूज कोई भी नहीं होगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आगे के लेक्चर के अंदर हम और एनालिसिस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।